हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, जो आपका नया भर्ती आने वाला है 2024 में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अक्टूबर मंथ में यहां पे पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया कि ग्रुप डी का भर्ती कब तक आएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रुप डी का कितना भर्ती आ सकता है और इसके रिगार्डिंग आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से हलचल आपको कब तक देखने को मिल सकती है, इसके बारे में जानेंगे। और जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास हैं, रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, डियर अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों का डाउट था कि क्या सच में ग्रुप डी की भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, तो फाइनली इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप लोग ने पूरा कुछ जानकारी देखा, पूरा जो उसमें हमने जो आपको डीलिंग करके बता दिया कि कब कब भर्ती यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, बाकी बहुत सारी मुद्दों पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे भी जरूर जरूर ऐड हो जाएगा हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। साथियों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया है, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है और ये 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में जितने भी सवाल आए थे टोटल इसमें 1 से लेकर 60 सेट तक आपको यहां पर दिया गया है। टीसीएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो 2021 में आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 एग्जाम हुआ था, सारा पेपर आपको इसमें सिंगल बुक में देखने को मिलता है। ये जो बुक है आपको हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी मार्च महीने में ही बात करें तो यहाँ पे एक आरटीआई लगाया गया था रेलवे में टोटल वैकेंट पोस्ट के ऊपर, जिसमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो जवाब निकल के आया है कि 1 मार्च 2024 तक टोटल यहाँ पे ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पे 2,36,000 से भी ज्यादा वर्तमान समय में पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। कब तक का ये रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट आपका 1 मार्च 2024 का है कि भैया 1 मार्च 2024 के डेट में 2,36,902 पोस्ट यहाँ पे खाली है, जो आपका ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लेवल 1 पोस्ट को भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने एएलपी का भर्ती देख लिया, 5,696 पोस्ट। टेक्नीशियन का भर्ती देख लिया कितना आया, तो आपका 9,144 पोस्ट। आरपीएफ का भी आपका वैकेंसी यहाँ पे आ चुका है, 15 तारीख से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 15 तारीख के डेट से ही इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आरपीएफ का टोटल यहाँ पे वैकेंसी आया है 4,100 कुछ पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कैंडिडेट के मन में ये डाउट होता है कि क्या जिस तरह आरपीएफ और एएलपी टेक्नीशियन में कम पदों पर भर्ती आया है, क्या सेम आपका ग्रुप डी में भी ऐसा होगा। तो साथियों, सबसे पहले अपने मन से ये डर को हटा दीजिए कि ग्रुप डी में ऐसा कतई लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस भर्ती के बारे में अगर बात करें, चलिए सबसे पहले इसका जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया उस नोटिस पे लेके चलते हैं आपको। तो फाइनली देखिए, जो यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो रीशेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया, शेड्यूल जारी किया गया है प्री प्लान अपकमिंग भर्ती के लिए, पर्टिकुलर उस पोर्शन पे आ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बात करेंगे तो आपका लेवल 1 को टारगेट करके बात करेंगे, तो लेवल 1 का जो सारा कार्यभार है वो आपका आरआरबी भोपाल को दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन से लेकर यहाँ पे ज्वाइनिंग तक का सारा प्रोसीजर पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नोडल बनाया गया, नोडल आरआरबी बनाया गया है, वो आपका यहाँ पे भोपाल जोन को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपका यहाँ पे बोला गया है कि लेवल 1 और इसके साथ साथ मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का आपको वैकेंसी का असेसमेंट जो है 30/9/2025 तक काउंट किया जाएगा। कब तक यहां पे लिया जाएगा, तो 30 सितंबर 2025 तक का पूरा वैकेंसी को इंक्लूड करके आपको 2024 में वैकेंसी देखने को मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि 1 साल यहां पे एडवांस वैकेंसी यहां पे रेलवे कंसीडर करके चलेगा। तो चलिए, इसमें सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी आईआईटी और एक्ट अप्रेंटिस छात्रों को मिलेगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप छात्रों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल यहां पे मन में डाउट आ रहा है
कि क्या जिस तरह एएलपी में कम पोस्ट आया, ज्यादा पोस्ट होने के बावजूद भी आपका कम भर्ती निकाला गया, टेक्नीशियन में भी आपका बहुत पोस्ट खाली होने के बावजूद भी आपका कम पोस्ट निकाला गया, तो क्या ग्रुप डी में भी ऐसा होगा? तो साथियों ग्रुप डी में ऐसा कतई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल के साथ कि अगर 2018 में बात करेंगे तो आपका 64,000 के आसपास पोस्ट रिक्रूटमेंट जारी होता है 2018 में, ठीक है। उसी का जस्ट अगले साल, क्योंकि सेम प्रीवियस पीरियड में भी बात करेंगे तो उस समय भी इलेक्शन का माहौल था और इलेक्शन माहौल होने के कारण बैक टू बैक आपका ग्रुप डी का भर्ती देखने को मिला। तो 2019 में 103,000 से भी ज्यादा आपका पोस्ट पर रिक्रूटमेंट देखने को मिला। तो 18 में भर्ती आया और 19 में भर्ती आया। जो 19 वाला भर्ती आया था उसका प्रोसीजर अभी तक रेलवे यहां पे कंप्लीट नहीं करा पाई है। बहुत सारे जोन में अभी मल्टीपल मल्टीपल डीवी आ रहे हैं, कहीं का पैनल जारी हो रहा है, कहीं का है रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 2019 वाला भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहां पे ज्वाइन करने के बाद भी रिजाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जितना रेशियो ज्वाइनिंग का है उससे बात करें तो 20-30% जो आपको देखे होंगे तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे रिजाइन कर दे रहे। रिजाइन करने का मुख्य कारण ये हो सकता है कि वो लोग हो सके ग्रुप डी भर्ती को ऑप्शनल में रख के चले होंगे, उनका कहीं हायर पोस्ट में या फिर ग्रुप डी से बेहतर जॉब में उनका सिलेक्शन हो गया हो तो ग्रुप डी पोस्ट को यहाँ पे रिजाइन कर दिए। इसके बाद ग्रुप डी में सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी रेलवे के अंतर्गत। इसका सबसे बड़ा प्रमाणित ये है कि आपका जो ग्रुप डी भर्ती है वो सबसे निचले लेवल की भर्ती आती है। सबसे निचले लेवल की भर्ती रेलवे में जो है वो लेवल 1 का ही भर्ती देखने को मिलता है, सबसे निचले स्तर का, ठीक है। इसके ऊपरी जो भी भर्ती आती है चाहे टेक्नीशियन का हो गया एएलपी का हो गया वो अच्छे पोस्ट माने जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप डी का भर्ती है वो रेलवे के अंतर्गत सबसे निचले स्तर की भर्ती है, इसीलिए इस भर्ती में सबसे ज्यादा कैंडिडेट ज्वाइन तो करते हैं पर उसी कैंडिडेट में यहां पे रिजाइन भी करते हैं। 2019 भर्ती के बारे में बात किया जाए तो उसमें उस समय सिर्फ और सिर्फ यहां पे 10th पास वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे। सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th रखा गया था। अब 10th रखा गया था तो सोच लीजिए इसमें बीटेक डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे। अब आप ही सोचिए जो यहां पे बीटेक और डिग्री वाले कैंडिडेट होंगे उनका अगर यहां पे सिलेक्शन भी हुआ होगा तो ग्रुप डी को वो ऑप्शनल तौर पे रखे होंगे और जैसे उनका कोई हायर पोस्ट पे ग्रुप डी से अच्छे जॉब में उनका सिलेक्शन हो गया होगा तो वो ग्रुप डी को यहां पे रिजाइन कर दिए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका एएलपी और टेक्नीशियन भी इतना कम भर्ती क्यों आए। तो देखिए एएलपी में आप देखिएगा तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रिजाइन करते होंगे, बहुत कम कैंडिडेट। वही अगर देखिएगा टेक्नीशियन में भी तो सेम प्रोसेस है, परंतु जब आप ग्रुप डी में देखिएगा तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट रिजाइन करते हैं, इसीलिए आपका सबसे ज्यादा जो पद है ग्रुप डी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले को कि एक्ट अप्रेंटिस का यहां पे क्या होगा। देखिए एक्ट अप्रेंटिस में बात करेंगे प्रत्येक साल आपका रेलवे के सभी डिवीजन से एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आती है, जिसमें अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो जितना भी सीट पे भर्ती आता है उसमें 20% का कोटा आपको रेलवे ग्रुप डी एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट वाले को दिया जाता है, ठीक है, जितना भी भर्ती आता है। इसके साथ साथ आपको पीईटी भी देना नहीं पड़ता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, यह माफ रहता है जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं। इसके साथ साथ 1/3 और 2/3 का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये सभी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। हम कल के वीडियो में बात करेंगे कि पार्टिकुलर जो 2024 में भर्ती आएगा उसमें कितने टाइमलाइन वाले कैंडिडेट को इस बार रेलवे ग्रुप डी में 20% रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं भर्ती का, तो उससे पहले देख लीजिए यहां पे असेसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ OIRMS के पास जो भर्ती जाएगा वो आपका जुलाई 2024 तक अपडेट हो जाएगा और जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूवल देगा अगस्त 2024 तक, तो इस अगस्त से पहले पहले तक आपको ये रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे नोटिस आ जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस बार कितनी पोस्ट ग्रुप डी में निकाल रही है, क्योंकि 2019 वाले में भी बहुत सारे कैंडिडेट लगातार यहाँ पे रिजाइन कर रहे हैं, तो उन सभी जो पोस्ट है उसको डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ा जाएगा 2024 की भर्ती में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक अनुमानित कितना है कि आपको एक्सपेक्टेड वैकेंसी देखने को मिल सकता है। पहले तो ये डेटा थोड़ा सा कम जा रहा था, परंतु जब यहां पे रेलवे ने बोल दिया है कि हम 30 सितंबर 2025 तक का डेटा को यहां पे देंगे 2024 की भर्ती में, तो ये जो डेटा है अब यहां पे थोड़ा सा ज्यादा की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो हम आपको यहां पे बता रहे हैं वो लगभग आपका 45 से
55,000 वैकेंसियां इस बार आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिल सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा कितना नहीं आएगा, परंतु साथियों आप यकीन करिए कि इस बार आपका 45 से 55 के बीच आपको देखने को मिलेगा। हमने एक बार और वीडियो बताया था, उसमें आपको 30 के आसपास बताया था, परंतु इस बार जब पता चल गया है कि 2025 तक का वैकेंसी को कंसिडर किया जा रहा, तो 45 से 55 हजार के बीच आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जितने कैंडिडेट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस है, जो ITI कैंडिडेट है, प्रिपरेशन अपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब यहां पे सही समय आ गया है प्रिपरेशन करने का। ठीक है, बाकी यहां पे RPF का बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पल-पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी ITI एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट में वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिएगा, ताकि वो सभी कैंडिडेट पर्टिकुलर उनको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।